Starting with the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum students, hope all of you are fine and enjoying good health. आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है दिल सेंटेंस. सेंटेंस क्या होता है ये हम लोगों ने आज पढ़ना है. ठीक है, सेंटेंस होता क्या है? एक्चुअली जब भी हम लोग बोलते हैं या लिखते हैं तो हम अल्फाज का सहारा लेते हैं. मीन्स के हमको बोलने के लिए अल्फाज की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो हम लोग अल्फाज चूज करते हैं अपनी बात समझाने के लिए. तो वो भी अल्फाज जो हैं वो अमूमन जो हैं वो जुमले के तौर पर इस्तेमाल होते हैं. उसी जुमले को हम लोग कहते हैं द सेंटेंस कहते हैं. ठीक है, क्या कहते हैं? द सेंटेंस आप लोग कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड द सेंटेंस. आप कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज सेंटेंस. क्या होता है? अल्फाज के मजमूए को आप लोग क्या कहते हैं? जुमला यानी सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल आई एम अ स्टूडेंट, ये हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स जो हुए हैं जब हम लोग इसको प्रॉपर एक लाइन में लिखते हैं अपनी बात समझाने के लिए हम लोग एक पूरा प्रॉपर वर्ड्स का यूज करते हैं, उसको कहते हैं सेंटेंस. ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ना है इसकी काइंड्स. काइंड्स ऑफ सेंटेंस इसकी कितनी इकसाम है. ठीक है, इकसाम को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसकी कितनी इकसाम है. ठीक है, पहले हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली है, अब हम लोगों ने करना है इसकी काइंड्स पढ़नी है कि काइंड्स कौन कौन सी हैं. ठीक है, काइंड्स हैं आप इसकी सबसे पहले आती है असर्टिव, डिक्लेरेटिव, और एक्सेप्टिव सेंटेंस. ठीक है, सबसे पहले आती है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. ठीक है, पहले मैं आप लोगों को नेम्स बता दूं, फिर आप लोगों को मैं इसकी आगे से जो डेफिनेशंस हैं वो भी बता देती हूँ. ठीक है, सो सबसे पहले आती है डेक्लेरेटिव वर्ड असर्टिव सेंटेंस. उसके बाद हम चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, इंट्रोगेटिव जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इंट्रोगेटिव किसको कहते हैं? सवालिया जुमले को. उसके बाद है इंपैरेटिव, इंपैरेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, उसके बाद है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ये चार जो काइंड्स हैं आप लोगों की इसकी है सेंटेंस की है डेक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस है, सेकंड है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, थर्ड है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, नेक्स्ट फोर्थ वन है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. सो अब हम लोग इसकी ये लर्न कर लीजिएगा कि कौन कौन सी हम लोगों की सेंटेंस की काइंड्स हैं, वो है डेक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी.
हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों की है डेक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, ये क्या होता है डेक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस? वो सेंटेंस जो कोई स्टेटमेंट की कोई चीज आप बयान कर रहे हैं उसके बारे में बताए, उसको कहते हैं असर्टिव और डेक्लेरेटिव सेंटेंस। कि आप अपनी कोई स्टेटमेंट बयान कर रहे हैं या आप कोई एक्सेप्शन बयान कर रहे हैं, कोई स्टोरी बयान कर रहे हैं, कोई भी चीज जो है वो आप बयान कर रहे हैं सिंपल वर्ड्स में, उसको कहते हैं डेक्लेरेटिव। जिसको आप लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं वो ही है डेक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस, जिसमें आप लोग जस्ट जो है वो स्टेटमेंट शो कर रहे होते हैं। क्या शो कर रहे होते हैं? स्टेटमेंट। ठीक, समझ आ गई कि इसमें क्या आता है कि जिस सेंटेंस में आप लोग अपनी स्टेटमेंट बयान कर रहे हैं उसको कहते हैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, शी रीड्स अ स्टोरी। इसमें हम लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, कौन सी स्टेटमेंट है? जब हम लोग इसको उर्दू में लिखते हैं तो क्या कहते हैं? वो कहानी पढ़ती है। जस्ट एक स्टेटमेंट शो कर रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने करना है इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे कि आप लोगों को पता है टेंसेस में भी हम लोगों ने किया कि इंट्रोगेटिव कौन से होते हैं? सवालिया। ठीक है, जिसमें हम लोग किसी से क्वेश्चंस पूछते हैं उसको हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव। क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव। ठीक है, जिसमें हम लोग सवाल पूछते हैं उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव। ठीक है, इसकी हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल्स कौन सी हो सकती हैं इसकी? वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन शो करने के लिए हम लोग लास्ट पे क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हम लोग जब क्वेश्चन पूछते हैं तो लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क, जिससे हम लोगों को पता चल जाता है कि ये सेंटेंस है वो कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, उसके बाद आता है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई रिक्वेस्ट या कमांड पाई हो जाती है, इसके आखिर में भी फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या अगर आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं या आप किसी को हुक्म देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। मीन्स कि अगर आप किसी को हुक्म दे रहे हैं शट द डोर, ठीक है, शट द डोर, ठीक है, क्या आप लोग उसको हुक्म दे रहे हैं? तो यहाँ पे फुल स्टॉप होता है। ठीक है, हुक्म दे रहे हैं कि दरवाजा बंद करो, आप उसको हुक्म दे रहे हैं। सो इसको हम लोग कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। आप लोग हुक्म देते हैं या आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी। ठीक है, इसके लास्ट पे भी फुल स्टॉप। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल्स हम लोगों के आगे पैरेंट सेंटेंस के, जिसमें
यहाँ पे कमांड शो कर रहा है और यहाँ पे रिक्वेस्ट शो कर रहा है, ठीक है। ये हम लोगों की तीन होगी, डिक्लेरेटिव, असर्टिव एंड इंपेरेटिव। लास्ट जो हम लोगों ने करनी है वो है लिखता है, ठीक है।
जो काम करा है उसके बारे में जो हम लोगों को क्या बताता है, जो हम लोग एक्स्ट्रा चीज यूज करते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो क्या काम कर रहा है उसको कहते हैं ब्रेक। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज तक के लिए इतना ही। अगले लेसन में, अगले लेक्चर में, अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।